हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। किचन विद SW में आपका स्वागत है। और आज बन रहा है कढ़ी चावल, जो मोहतरमा हमारी बना रही है कढ़ी चावल। क्या जी, ये क्या है, ये क्या है, ये जो बना रही हो, इसको कैसे आपने बनाया? पहले बेसन घोले। हाँ, बेसन बेसन ही आपने घोला ना। एक उसके बाद सरसों का तेल डालने फ्राई करना। अच्छा जी, उसके बाद लेकिन आपने जो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरी बोलते हैं, पकौड़ी आपने पकौड़ी शानदार बनाया है। मैं बनाता था ऐसा नहीं बनता था, पता है मुझसे तो ऐसा बनता ही नहीं हूँ। तुम तो बहुत सही तरीके से बनाई हो, शानदार। इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको पूरा पकाया जाता है कि आधा? हल्का ब्राउन किया जाता है। हल्का ब्राउन। अच्छा जी, ये इसके बाद क्या होगा, अभी और बनाओगी? हाँ। ये कम है कि ज्यादा है जो बन रहा है, ज्यादा हो जाएगा इसमें? मीडियम में। अच्छा, बताओ कढ़ी पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो बताओ पहले। अरे बता दो। दही और दही का पेस्ट। उसके बाद जो है इसको तड़का दिया जाता है, ठीक। हराई डाला जाता है, प्याज, मिर्चा, लहसुन और मेथी का तड़का, हल्का मसाला, अच्छा ये लहसुन मिर्चा का पेस्ट। और उसके बाद इसको उसमें डाल देते हैं। अभी देखिए, ये तो अभी पकौड़ी बन रहे हैं ना। इसके बाद फिर तड़का लगेगा, उसके बाद फिर प्याज से तड़के होंगे। वो प्याज और वो रखा है शायद ना, प्याज, लहसुन, मिर्चा और क्या उसमें क्या है, वो मेथी है और फ्राई। अच्छा जी, बहुत ही शानदार लगता है कि स्वादिष्ट बनने वाला है आज कढ़ी, क्यों जी? है दही, दही दही कहाँ पे है? अभी नहीं बोल रखी। दही को भी मिलाना पड़ता है काजू से। ये निकला पकौड़ी ना, ये पकौड़ी बोलते हैं ना इसे, क्या और कुछ बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, क्या बोलते हैं? पकौड़ी। अच्छा, लाओ निकालो, यहाँ पे रखो, बहुत सॉफ्ट हैं ना जी। लाओ लाओ लाओ, इधर रखो, अभी हम टेस्ट भी करेंगे, बहुत ही शानदार। इसके बाद अभी और बनाओगी? बनाओ, देखते हैं क्या इसमें। वाह, शानदार। हम बनाते हैं पकौड़ी लेकिन इतना अच्छा नहीं बनता है जितना अच्छा तुम बना ले रही हो, पता है? बोला भी करो बीच बीच में। कैसे बना देते, नहीं अच्छा बनता। अरे तुम तो बेसन को कई बार फेटा और फेटते वेटते नहीं थे, सीधा डायरेक्ट दही मिलाओ और सीधा प्याज का तड़का मारो, उसे मिला के टमाटर डाल के, लेकिन बन जाता था टेस्टी, ऐसी बात नहीं, पता है? टेस्टी बन जाता था। मैं चाहे जैसे भी बनाऊँ स्वाद आ ही जाता है, लेकिन तरीके से बना रही हूँ। ये तो खत्म हो गया, ये था कढ़ी बनाने का पहला स्टेप। इसमें पकौड़ी बनाया जाएगा जो अंदर उसके डाला जाता है कढ़ी में। इसके बाद क्या होगा, तड़के के साथ बनेगा अगला विधि, बहुत ही शानदार। जी लगता है जल रहे हैं तुम्हारे पकौड़ी, देखो हमको लग रहा है जैसे। चला दें क्या? देखो थोड़ा बहुत जल गया ना, चलो कोई नहीं। पानी टच करके ना छुआ करो तेल के सामने, पता है, नहीं तो जल जाएगा, सही हो जाओगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अति उत्तम पकौड़े बन रहे हैं। बीच बीच में मैडम हमारी गुस्सा भी करती हैं, कहते तुम बहुत बोलते हो, क्यों जी? इधर देखो, मैं कम बोलता हूँ ज्यादा? नेता कौन बनता है कि मैं कि तुम? तुम मैं। अच्छा,
मैंने था तुम नेता ना। इसके बाद अगला विधि ना तो जी तो से बस कहाँ जाए भाग के बताऊँ। इधर तो देखो ये खाने में ठीक है। और टेस्ट करें। टेस्ट नहीं किया अभी तक। अभी कहाँ सच्ची भगवान को चढ़ाया इसने पहले भगवान को टेस्ट किया जाता है। खाना बनाती हूँ पहले हल्का से भगवान के लिए निकाला जाता है। पहले तो तुम खुद ही झूठा कर देते थे। कहाँ झूठा किया और क्या किया अभी हमने नहीं किया। अभी एक बार भी नहीं निकाला पता है। पहले भगवान के लिए थोड़ा निकाला जाता है ऐसे जय भोलेनाथ थोड़ा निकाला जाता है। बहुत ही शानदार पकौड़ी बन गए हैं भाई साहब। अच्छा लगेगा खाने में क्यों जी। एक टेस्ट कर लेंगे आप देखें। वाव बहुत ही शानदार जी। ये तो चाय के साथ खाने वाला हो गया पता है। किसी दिन बना लेंगे ऐसे। हाँ कैसे चाय से खाने के लिए। एक पता नहीं क्या मूंग की दाल की पकौड़ी बनती है क्या। हाँ। वो थोड़ा सा टेस्ट करके थोड़ा सा अच्छा वो खाने में होता है ना। इसको तेल तुम हटा दो ना हमें भी अपने जलोगे हमको भी जलाओगे। कहाँ लबर लबर कर रहे हैं आप भी ना। अब है कढ़ी बनाने का सिस्टम चालू। दही कितना रख दे तुम्हारे लिए। हम क्या दही क्या बेचेंगे क्या रख दें थोड़ा बहुत खाएंगे। ये कढ़ी बनाने का इसको क्या ये क्या कर रही तुम। पेस्ट बेसन का पेस्ट दही का इसमें बेसन भी तो है। अब ये दही अब अलग से बेसन नहीं मिलाया जाएगा इसमें ना यही हो गया जो हो गया। बहुत ही शानदार अब दही का मिश्रण किया जा रहा है इसमें किया जाएगा। नहीं नहीं ठीक बहुत ही उत्तम अच्छा बनाना चाहे सब डाल दो क्या से बस ठीक है। इसको प्याज और मिर्चा इधर लाके रखो बीच में रुक जाओ पहले इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये जो तड़का तैयार कर रखी है ये तो हमें दो। बहुत ही शानदार ये रहा तड़का देने का सामग्री। इसमें मेथी है ये छोटा रखा जी राई और इसमें हरे पत्ते का लहसुन है और प्याज है बस इतने चीज पड़ता है। टमाटर भी पड़ेगा कड़ी में टमाटर नहीं पड़ता पड़ता है अच्छा। ये पेस्ट तैयार हो गया दही और बेसन का पेस्ट है ये। इसके बाद अब इसमें पानी मिलाओगे क्या है कितना आधा गिलास चलो ये रहा इसमें पानी का मात्रा बढ़ाया गया। बहुत ही शानदार क्योंकि और मिला अभी मिलाया जाएगा ये क्या नमक चलो नमक स्वाद अनुसार डालें आप इसमें बस नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद तड़का देने की तैयारी है। ये रहा सरसों का तेल शुद्ध सरसों का तेल है इसमें कोई मिलावटी नहीं है 100% शुद्ध सरसों का तेल घर के मशीन से निकाला गया है। ये रहा मेथी और सरसों ये रहा प्याज और लहसुन अच्छा कितना टाइम लगता है टोटल सही बनाने में। कढ़ी बनाने में कितना टाइम लगता है। 9 मिनट टाइम लगता है। सारा चीज रेडी रहे तो 15 मिनट ना क्यों जी। सारा चीज रेडी रहे तो 15 मिनट। हाँ इसको आपकी सब ना अच्छा बहुत ही तड़का ये बन रहा है। ये हो गया अभी लगता है मोहतरमा कुछ और कमी है लग रहा है। हल्दी का पेस्ट बनाओगी है ज़्यादा हल्दी नहीं डाल रही थी है। ये हल्दी है इधर ये तैयार है।
बनाया जा रहा है। उसके बाद पेस्ट हो रही है, इसको तैयार कर लिया। हाँ, तो दही का ये है मिश्रण, ये रेडी है। ये और इसमें कुछ करना है? ये रहा हल्दी का, हल्दी का पेस्ट तैयार है। मैं तो बनाता था लेकिन ऐसा नहीं भाई जी, इतना 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 सिस्टम से नहीं, बस तुरंत। मैं बना लेता था लेकिन इतना सिस्टम से, जितना सिस्टम से तुम बना रही हो उतना सिस्टम से मैं नहीं बना पाता था। जीरा जीरा मैडम हटा रहे हैं, कढ़ाई जली है क्योंकि अच्छा नहीं लगा मैडम को। ये क्या है, ये तैयार हो गया? कभी और ब्राउन करूंगी। अच्छा जी, और ब्राउन होगा ये। ये जो बनाई हुई पकौड़ी, ये कब डाला जाएगा? ये लगभग लगभग ये हो गया है, एक दो मिनट इसमें और लगेंगे। हाँ, उसके बाद इसमें क्या बनाया जाएगा? क्या डालोगे? हल्दी है? मसाला नहीं डाली? ये कौन सा मसाला है? राजेश मसाला डाल दो। राजेश मसाला सब्जी के लिए बेस्ट होता है, क्यों जी? अच्छा होता, टेस्टी होता ना मसाला ये। वैसे तो मसाले जो आदमी को पसंद है वही डालो, और जो भी नहीं राजेश मसाला डाली जो आप सब खाते हो वही डालो। सबका अलग अलग मसाला लोग खाते हैं, कोई ब्रेड का खाता है, कोई अंडीज का खाता है, कोई कैच का खाता है, अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं जिसको जो अच्छा लगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। इसके बाद इसको थोड़ा पकने दो जी हल्का से। तुम तो पूरे एकदम नाश करोगे क्या? मसाला थोड़ा पकने दो हल्का से। बहुत ही सुंदर। इसके बाद ये मिश्रण हुआ इसमें, दही और बेसन का मिश्रण। ये क्या हुआ? इसको ये पेस्ट मिलाया गया। ये कितनी देर में होगा? ये 10 से 15 मिनट का समय लगेगा इसमें उबलेगा। ये कब डाला जाएगा? आधे आधा हो जाएगा, आधा नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा सा उबलने लगेगा तो ये डाला जाएगा पकौड़ी। उसके बाद कढ़ी बनके तैयार। अब इसमें कढ़ी में पानी मिलाया जाएगा क्या जी? नहीं, ला रही थोड़ा हल्का सा पानी डाल के जी। जो लगे हैं बर्तन में बहुत ही शानदार। ये हल्का सा पकेगा, उसके बाद ये कड़ी, ये पकौड़े मिश्रण किया जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा। कितना टोटल टाइम लगेगा बनने में? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट लगेगा बनने में। ये थोड़ा तो होगा ही, इसके बाद ये पकौड़े डाला जाएगा। बहुत ही शानदार। 10 मिनट बाद कढ़ी बनके तैयार, इसके साथ चावल के साथ खाया जाएगा।